हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। मॉर्निंग का समय और हमारा बेटा जो है कह रहे वो भी सो के उठ चुका है और हम भी काफ़ी टाइम पहले, तो अभी जो है सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। और पीछे जो हो रहा है वो सो रहा रहा होगा, उसके लिए सॉरी, इग्नोर कर दीजिए। जनरेटर चल रहा है, अब क्या करूँ, ये टावर लगा हुआ है घर में तो इसका शोर तो रहेगा ही कहीं ना कहीं। कोई अगर आवाज़ भी लगाए तो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। तो अभी जो है हमें धोना है फेस और कुल्ला वगैरह करना है, कोलगेट वगैरह करना है, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं ये वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ और दिख रहा है कि कैसे करा जाएगा। देखते हैं, खाट डालकर बैठा कर कायरों को तब करेंगे या फिर लेकर ही करेंगे। ये भी बात कर रहा है, कुंजी वाली आया है, फिर बनाएंगे अपने लिए चाय। तो चलिए, अभी जो है उसके बाद यहाँ पर आई हूँ मैं नल पर और मुझे करना है ब्रश। सुबह का समय है, हल्की हल्की सी धूप भी निकल गई है और हमारे बाबूजी भी उठ गए हमारे साथ साथ, तो आज तो हमें लगता है बाबूजी को लेकर ही ब्रश करना पड़ेगा। उसकी अम्मा डाल रही है चारपाई क्योंकि धूप निकल आई है। हम लोग पता क्या करते हैं, जब धूप निकलती है तो सुबह के टाइम में चारपाई यहाँ डाल लेते हैं, बिल्कुल निकलता सूरज लगता है, और शाम तक डाल खाट यहीं डाल कर रखते हैं और बस शाम को धूप ढलनी शुरू हो जाती है, हम लोग अपने रूम की ओर चल देते हैं। और अभी जो है मैं ब्रश कर रही हूँ और ये अवनी का ब्रश ले रहा है। मेरा ब्रश खोस रहा था तो मैंने इसको अवनी वाला दे दिया, और ऐसा भी नहीं कि मैं इसे बैठा के आराम से ब्रश कर लूँ, ये तो नहीं बैठता बिल्कुल भी। गोद में रहना है तो गोद में ही रहना है और बस ऐसे ही काम करती हूँ, ज़्यादातर काम मेरा ऐसे ही चलता है। देखिए, मन रहा था मेरे साथ ब्रश करने, मेरा बेटा बड़ा हो गया है और अभी ब्रश जो है हमने कर लिया है, कुल्ला वगैरह कर लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, फिर बनानी है हमें चाय। तो चलिए अभी कुल्ला वगैरह कर लेते हैं, मुंह धो लेते हैं। अभी जो है हमने फेस भी धो लिया है, ब्रश भी कर लिया है और हमारा बेटा एक ब्रश अवनी का ले रहा है, एक अपना ले रहा है। अच्छे से करने भी नहीं देता, फेस भी नहीं साफ करने दिया अच्छे से, बस यही तो लगा रहता है बच्चों में, आप लोगों से बात करता है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और अवनी जो है वो अभी सो रही है और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे वाली वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सांस चढ़ गया, प्लीज़ देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए तो अभी चाय बना लेते हैं, चाय बनाने के बाद मिलते हैं हम लोगों से। तो अभी जो है मैं पी रही हूँ चाय, बना लाई हूँ तो आप लोग भी पी लीजिए। कायरा खेल रहा है, अम्मी सो रही है, जब अम्मी उठेगी तब उसको दी जाएगी, ब्रश वगैरह करेगी। तो चलिए मॉर्निंग वाली चाय पी लेते हैं, आप लोग भी आ जाए। तो सुबह का जो है सारा काम मेरा हो चुका था, उसके बाद मैं नहा कर आई हूँ। नहा के आने के बाद में मुझे बनानी है दोपहर के खाने में आलू गाजर की सब्ज़ी, तो मैं आलू गाजर छील रही थी। तो अब जो मैं क्या करती हूँ, मेरे जितने भी बनियान थे गर्मियों में पहनने वाले, वे गरम गरम से ही हैं, मतलब ऐसे नहीं है हल्के वाले हैं, काफ़ी मोटे मोटे कपड़े के हैं, तो वे वाले बनियान में अब ज़्यादातर सूटों के नीचे सर्दी में पहन के रखूँगी। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ननिहारी हवा बोलते हैं जिसको, मतलब जब नहाना आता है, गंगा स्नान नदी आता है तब ये हवा चलती है ठंडी ठंडी, तो हवा चल रही थी और मैं यहाँ बाहर बैठी थी, धूप भी निकल रही थी। तो मैं आलू गाजर छील रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अभी जो है हमारे बाबूजी जो है कायरा वो सो रहे हैं, तो इतने हम झटपट से खाना बना लेते हैं। और मम्मी जो है वो गाय को पानी पिला रही है, देखिए कभी कभार दिख जाती है, और उससे पहले मम्मी रखेगी थोड़ा सा पानी चूल्हे पर अपने लिए गर्म होने के लिए। तो जब भी दिखती है आप लोगों को दिखा देती हूँ, अभी दिख रही थी तो दिखा दी मैंने, फिर थोड़ा सा इधर को इसलिए घुमा लिया क्योंकि आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा हो, मैं आलू गाजर छील रही हूँ, मैं सोच रही थी थोड़ा दिख जाए, थोड़ा इधर को भी दिखा देते हैं, पीछे बंधी हुई है गाय। तो उसके बाद जो है सब्ज़ी तो मैंने अपनी छोंक दी थी और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा हलवा,
अवनी का मन है कि मम्मी थोड़ा सा हलवा बना दो, बच्चों का मतलब कुल मिलाकर पेट भर जाना चाहिए, चाहे हम कुछ भी बनाए, नॉर्मल सा खाना, खाने पीने का सिस्टम, बच्चों का पेट भरना चाहिए। तो अभी उसको लग रही थी कि मम्मी थोड़ा सा हलवा बनाओ, मैं भी खाऊंगी और भैया को भी खिलाना आप। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में घी डाल रही हूँ, तो चम्मच जो है इसमें घी में नीचे धस गई डब्बे में, और मैं थोड़ा हैंड से ही निकाल कर डाल रही थी, वो नीचे की साइड चली गई बिल्कुल। और सर्दी में आप लोग समझ सकते हो घी जम जाता है, थोड़ा सा ही बनाना है बस मुझे, बच्चों बच्चों के लायक मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी खाने का। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो भी थोड़ा सा बच्चों के लिए बना देते हैं, थोड़ा कह रहा हूँ भी पेट भर लेगा अपनी भी। देखिए अपने से ज़्यादा बच्चों की चिंता रहती है, ये लोग मतलब थोड़ा पेट भर ले, कुछ खा ले किसी तरह, भूखे नहीं रहने चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो एक टाइम ना भी खाऊं तो चलेगा, पर बच्चे भूखे रहते हैं वो नहीं मुझसे देखा जाता, क्योंकि देखिए जब तक मेरा कायरव जगता रहता है मेरा काम नहीं चलता बिल्कुल भी। अभी वो जग रहा है, उसको मैंने 2 मिनट के लिए अपनी के पास बैठाया, अगर बैठा रहा तो अच्छे से बन पाएगा, अगर एक बार आ गया ना तो फिर बीच में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उसका यही तो है। अगर वो खेलता रहता है, बैठा रहता है, तो मैं आराम से काम कर पाती हूँ, वो जगता रहता है तो मेरा कुछ भी काम अच्छे से नहीं चल पाता है। तो ये सूजी जो है मैंने इसमें डाल दी थी, बहुत थोड़ी सी सूजी डालनी है इसको, मैंने पहले मतलब सूजी जो है सारी मैंने पहले से ही छान के रख रखी थी डब्बे में, और ये मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी, ये भुनने लगी हल्की हल्की, और यहाँ भिगोने में मैं साथ के साथ पानी ले रही हूँ। तो मैं कुछ इस तरह ही बनाती हूँ, मैं कभी शरबत से नहीं बनाती हूँ हलवा, बहुत से लोग शरबत बनाते हैं तब हलवा बनाते हैं। देखिए थोड़ी सी सूजी में थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, तो पतली पतली सी लग रही है, अजीब अजीब सा लग रहा है बहुत, थोड़ा सा पानी और डाल दिया बस। अभी चीनी डाल देंगे और इसको अच्छे से खदका लेंगे, और हमारे बच्चों के लिए हलवा बनकर हो जाएगा तैयार। तो ये देखिए थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाल दिया, तो बस दोनों बच्चे के लायक हो जाएगा, 4-6 चम्मच भी बनेगा, बच्चे खा लेंगे आराम से, क्योंकि मुझे पता है इतनी ज़्यादा खुराक अवनी की भी नहीं है, अवनी का भी बहुत कम चीज़ खाती है, कुछ भी चीज़ हो बहुत कम खाती है, मतलब जैसे बड़े बच्चों की खुराक होती है ऐसी खुराक नहीं है, अवनी की भी कमी है। तो अभी मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक इसमें खद्दा नहीं आ जाएगा, 1 मिनट के लिए मैंने छोड़ा था, देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, वो मैं डब्बा बंद कर रही थी, और देखिए और अच्छे से उबाल आ गया है, और मेरा हलवा जो है बस बनकर तैयार होने वाला है। तो आइए पहले आप लोग आ जाइए खाने के लिए, इसमें से थोड़ा सा ही खा लीजिए, थोड़ा सा ही बनाया है मैंने, थोड़ा सा चख लीजिए इसमें से ही। और ये देखिए हलवा बनकर तैयार हो गया है, गैस को अभी ऑफ कर देते हैं, तो बच्चों के लिए बन गया है हलवा, इसको मैं डाल लूँगी कटोरी में। जी हाँ मैंने कटोरी में डाल लिया, ये रहा थोड़ा सा हलवा, बस ये दोनों को काफ़ी है, मुझे पता है कितने बड़े खबीस है मेरे बच्चे। तो अभी मैं खुआ रही थी कायरों को हलवा, तो आप लोग पूछोगे भी पहले मेरे कपड़े इसलिए चेंज होंगे, हमारे बाबू ने हमारे ऊपर शू शू कर दी थी, और मैं खुआ रही थी कायरों और अवनी का हलवा, तो कायरों को देखे पता चल रहा है, कैमरा चल रहा है सामने, फ़ोन में लगा रहा था, जब उसको पता चलता है ना कैमरा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा कारस्तानी करके दिखाता है, और जब मैं अवनी को हलवा खुवाती हूँ तो नाड़ मारता है एकदम, इसको चाहिए मतलब मुझे भी चाहिए, देखता रहता है मम्मी उसको खिला रही है, देखो कैसे नाड़ मारी है, मुझे भी खाना है। तो मैं दोनों बच्चों को लेकर बैठ गई, मैंने सोचा कि चलो भाई अवनी भी छोटी है और कायरों भी जो है खाने नहीं देगा, हाथ मारेगा, तो मैं अपने हाथ से ही अपने बच्चों को हलवा खिला देती हूँ। पहले मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप मत खाया करो, झूठा मत खिलाया करो, तो आज मैं अपने लिए वैसे भी नहीं बनाया, और अब ना ही मैं झूठा खिलाती हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा सच्चा कोई भी चीज़ बिल्कुल सच्ची अलग से खिलाती हूँ अपने बच्चों को। कितने तमाशे कर रहा है हलवा खाता हुआ, इसकी ये अटकेलिया, ये इसके तमाशे, ये बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चे के ऐसे चौंचले सच में बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा तो जब तक खाना पीना नहीं होता, जब तक मेरा बेटा सो ना जाए या फिर उसे कोई ना ले रहा हो, अवनी के पास ना हो, वैसे तो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं आराम से बैठकर खाना खा लूं, क्योंकि वो खाने नहीं देता, क्या करता है थाली उठाता है मुंदी मार देता है और सारी रोटी हमारी बखेर देता है, जब वो सो जाता है तभी खाते हैं हम माँ बेटी खाना। पर अवनी को तो मैं खिला ही देती हूँ फिर भी उसके साथ ही। और यहाँ पर ये आए थे टावर वाले, और इसमें यहाँ पर तेल डालने के लिए आए थे, अभी ये जो है तेल से ही चल रहा है, और इसका भी बिजली वगैरह इसको नहीं मिली है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक बिजली पास नहीं हुई है। ये लोग तेल डालने के लिए आए थे, इन्होंने ये साइड का हिस्सा खोल कर रखा था, शायद हवा हुआ ले रहा था ये, या फिर तेल डाल रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे, ऐसे पंप यहाँ पर लगा कर एक ऊपर कैन में लगा रखा था, मतलब कैन से ऊपर नीचे यहाँ आ रहा था। और मेरा काम हो गया है शुरू, जी हाँ मैं कर रही हूँ पुताई। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप कर लो या करा लो, और मेरा बेटा जो है कायरा वो अभी सो गया है, मैंने सोचा इतने कायरा सो रहा है तो मैं काम को जल्दी जल्दी थोड़ा लपेट लेती हूँ, जितना मुझसे होगा उतना मैं अभी खींचने की कोशिश करूँगी, 2 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी होगा पूरा रूम कंप्लीट करना है मुझे। तो मैं यहाँ पुताई करने के लिए सबसे पहले टांड पे चढ़ी,
कि यहाँ पर जो होते हैं तीन पाँव की बोलते हैं उसको, कुछ बोलते तो है मेरे याद नहीं आ रहा, उसको लेकर मैं इस पे यहाँ पे चढ़ी थी टांड पे, और मैंने सोचा टांड पे तो ऐसे आराम से हो जाएगा, फिर वो छत पे करना है तब देखते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ये सफ़ेद वाइट वाला कलर करना शुरू कर दिया है, तो इसको देखिए कब तक कंप्लीट होता है, खुद से ही करना पड़ेगा। देखिए मैंने सोचा था कि कराऊं, पर मैंने सोचा अभी जो है पेंटरों का टाइम नहीं, उन्होंने बोला कि अभी 2-3 दिन हमारा टाइम नहीं है, और सामान को 3-4 दिन हो गए। मैंने सोचा कब तक पड़े रहेंगे, तो खुद ही कर दिया अपना काम स्टार्ट, अब किसी के इंतज़ार में क्या रहेंगे। और मेरे फैमिली मेम्बर बताइए ज़रूर, मैं ये काम कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा। थोड़ा सा बच्चों को लेकर तो रहता है, जब सो जाएगा रात में करूँगी, कुछ दिन में करूँगी, कंप्लीट तो करना ही है, जब भी टाइम निकलेगा तभी करूँगी। और यहाँ मेरी बेटी अवनी जो है वो कर रही है बुरसेट की तय, तो अवनी कपड़ों की तय बना रही थी, मम्मी मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। देखिए बच्चा इतना भी बोल देना प्यार से, मम्मी मैं ये कर देती हूँ, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं बच्चों से काम नहीं कराती हूँ, पर मेरी बेटी कभी कभी इतना तो कर देती है कि मम्मी लाओ कपड़ों की तय बना दूंगी, लाओ मम्मी 2 मिनट के लिए भैया को थाम लूँगी, आप ये काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों का इतना सा सपोर्ट भी बहुत होता है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और मेरे घर में हो चुकी है पुताई स्टार्टिंग, मैंने पुताई करनी शुरू कर दिया, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।